सो गाइस, ये लाइट वाला फोन अगर आप लेने का मन बना चुके हैं या लेने वाले हैं, बिल्कुल समझ के बैठे हैं कि अब इसी को लेना है, इसके अलावा और कोई फोन नहीं लेना है, तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो शायद इस फोन को लेने से आपको रोक देंगे। तो वीडियो को आपको आखिर तक देखना ताकि कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि इस फोन को यूज करते हुए ऑलमोस्ट 7 दिन हो चुके हैं हमें। सबसे पहले आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी दिखा देते हैं, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था फर्स्ट डे पे, और बहुत सारे लोगों को वो मौका नहीं मिला क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, लेकिन मेरे एरिया में दूसरा डिलीवरी पार्टनर था, तो मेरे को खुद ही बॉक्स ओपन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहां पर मैंने देखा कि भाई साहब, डब्बे को खोलने का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था। हमने जितना भी प्यार से डब्बे को खोलने की कोशिश करी, डब्बे को फाड़ना ही पड़ा। और आई डोंट नो इन लोगों ने अपने अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को क्यों 9 स्कोर दिया है और Redmi Note 13 को 6 दिया है, जबकि इनके बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग से 2,500 रुपए आपको खर्च करने हैं। तो काइंड ऑफ ना ये पब्लिसिटी स्टंट ये लोग पहले से करके आए हैं। लेकिन भाई साहब, अब आ जाते हैं फोन के ऊपर। सबसे पहले फोन को बूट किया तो यहाँ पर कोई भी ब्लोटवेयर समय देखने को नहीं मिले थे। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, फोन को बूट करते टाइम ना सिम को डालना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, उसके बिना फोन चलता ही नहीं है ना। फोन के सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा हाई बनाई। अब यहाँ पर आ जाती है कुछ चीजें जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे पहले इस डिजाइन को देखिए, मेरे को तो ये हर एंगल से एक खिलौने का लुक दे रहा है। सबसे पहले आधा हाफ ऊपर जहां पर कैमरा है वहां पर तो चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ थोड़ा एस्थेटिक डिजाइन लग रहा है। ये जो कैमरा है ये भी आंखों के जैसा लग रहा है, लेकिन नीचे वाला पार्ट जो है ये इंटेस्टाइन जैसा लग रहा है, और नथिंग वाले बोलते हैं हमने इसे इंस्पायर होके बनाया मैप से। तो यहाँ पर कुछ भी टाइप का डिजाइन यहाँ पर मिला है, मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड ये चीज सब्जेक्टिव हो सकती है, ये मे भी आपको पसंद आया हो, तो ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ। बट इसके अलावा ये इन लोगों ने एक और चीज की है, जो ये बैक में आपको ग्लास टाइप का दिख रहा है ना, ट्रांसपेरेंट है, ये ग्लास नहीं है, प्लास्टिक है, और ऊपर से प्लास्टिक ऐसा इन लोगों ने चिपकाया कि बैक में ये साइड कॉर्नर से दिख जाता है कि ऐसे ट्रांसपेरेंट सी कोई शीट चिपका रखी है, तो थोड़ी सी अजीब लगती है। इसके अलावा व्हाइट कलर के मैट फ्रेम्स मिल जाते हैं। एक अच्छी चीज लगी कि ये जो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बो है ना, वॉल्यूम बटन या पावर बटन, ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो थोड़ा बेटर लगता है। साथ ही साथ बात करें पोर्ट की, तो नीचे में स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, माइक मिल जाता है, एक सिम स्लॉट मिल जाता है जिसमें 2 ही सिम लगा सकते हैं, कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन नहीं है। ऊपर में एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। राइट साइड में पावर बटन है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स बटन है। वॉल्यूम रॉकर्स बिल्कुल ऊपर नहीं है, थोड़ा सेंटर से हल्का सा ऊपर, और फोन का इन हैंड फील भी सही लगा। फोन बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, 191 ग्राम वेट है। तो एक चीज तो मुझे पसंद आई कि फोन को जब आप दोनों हाथ से पकड़ के यूज करते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस सही लगता है मेरे को, मतलब आईफोन वाला एक्सपीरियंस डेफिनेटली यहाँ पर आता है। इवन एक हाथ से भी कभी कभार आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। स्टीरियो स्पीकर सेट मिलते हैं जिनकी आवाज मैं आपको सुना देता हूँ। तो साउंड क्वालिटी मुझे यहाँ पर सही लगी। और एक और चीज सही लगी, हैप्टिक मोटर अच्छी है, टक टक वाली वाइब्रेशन मिलेगी आपको, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन UI में हर जगह नहीं। जैसे वॉल्यूम अप डाउन करोगे वहां पर नहीं मिलेगा, ब्लूटूथ वाईफाई को ऑन करोगे वहां भी नहीं मिलता, तो बेटर इंप्लीमेंटेशन ये लोग कर सकते हैं UI में भी। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो ऑल द टाइम एक्यूरेटली वर्क करता है। थोड़ा सा प्लेसमेंट इसका नीचे है यहाँ। सो गाइस, ओवरऑल बिल्ड में आप पे छोड़ता हूँ, बहुत ज्यादा ऐसे प्रीमियम फोन नहीं लगता ये मेरे को, तो खिलौने जैसा ही लग रहा है बैक साइड, तो कवर लगा के ठीक लगेगा, अदरवाइज बाकी ये चॉइस आपकी। और इस बार लाइट वाला जो पैटर्न है ना, वो अपर हाफ में दिया हुआ है कैमरा के आजू बाजू। 3 यहां पर LED लाइट्स आपको मिल जाती हैं, जिनको आप ऑन कर सकते हैं, इनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, फ्लिप टू ग्लिफ को इनेबल कर सकते हैं, ग्लिफ टाइमर भी मिल जाता है, साथ ही साथ ग्लिफ प्रोग्रेस आप इनेबल कर सकते हैं, जैसे जोमेटो वगैरह उबर पे जब भी राइड आती है, तो ये कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जो मोस्टली लोग ऑफ ही रखते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है लाइफ में। मैंने ये नथिंग फोन 1 के साथ भी एक्सपीरियंस किया, 2 के साथ भी एक्सपीरियंस। फोन के बैक साइड से जब फ्रंट साइड में आओगे तो 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, 10-bit डिस्प्ले है, और यहाँ पर जो बेजल्स है सिमेट्रिकल्स मिल जाते हैं, तो मतलब चारों साइड में आपको सेम बेजल्स मिलेंगे, और बहुत मोटे बेजल्स नहीं है, ठीक ठाक आपको बेजल्स मिल जाते हैं। लेकिन इसी रेंज में आने वाले पोको X6 या Redmi Note 13 को बोल रहे थे ना ये लोग अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, तो उसके बेजल इससे काफी कम मिलते हैं, स्टिल कम बजट में होने के बावजूद। ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए आपको बताया। इसके अलावा HDR वगैरह का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, 100% DCI P3
कलर गैमेट भी मिल जाता है। तो इन शॉर्ट बोलूं, कलर्स वगैरह जो भी आप कंटेंट देखते हैं उसमें मजा आएगा, डी ब्लैक्स तगड़े मिल जाते हैं, व्यूइंग एंगल्स तगड़े मिल जाते हैं, तो ओवरऑल कंटेंट व्यूइंग में कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला है। इनफैक्ट अमेज़न प्राइम नेटफ्लिक्स में भी फुल एचडी कंटेंट का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स में एचडीआर का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। ये चीज पता नहीं क्यों ये लोग करते हैं, अपने नथिंग फोन 2 जो 40-45 हज़ार का उसमें भी नहीं दिया, तो इनको सर्टिफिकेशन डेफिनेटली नेटफ्लिक्स का भी देना चाहिए। बाकी इसके अलावा यूट्यूब में 4K एचडीआर 60fps वीडियो आराम से चल जाती है, एंड आउटडोर ब्राइटनेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1300 nits तक की इसकी पीक ब्राइटनेस चल जाती है। तो इन शॉर्ट बोलूं, आउटडोर में जाओगे डायरेक्टली सनलाइट में देखोगे तब भी सारी चीजें विजिबल रहेगी। इनफैक्ट यहां पर 2160Hz का PWM डिमिंग भी आपको मिल जाती है, एंड टच भी इसका काफी रिस्पॉन्सिव है, और 120Hz ऑलमोस्ट सभी एप्स में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ साथ डायनेमिक रिफ्रेश रेट भी मिलता है, तो 60Hz पे ही आ जाएगा बैटरी सेव करने के लिए। बट HDR कंटेंट प्ले करते टाइम एक बग मैंने फेस किया, ये 2 या 3 बार मेरे साथ हुआ कि जब भी मैं HDR वीडियो चला रहा था बिल्कुल एक्सट्रीम ब्राइट हो जा रही थी डिस्प्ले, कुछ इस टाइप से। छोटा मोटा बग है, होपफुली फिक्स हो जाएगा। साथ ही साथ आपको 13 5G के बैंड मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.3, वाईफाई 6, NFC भी इनबिल्ट मिलता है, साथ साथ डुअल 5G का सपोर्ट भी मिलता है, एंड 5G की स्पीड वगैरह भी यहाँ पर तगड़ी आ रही थी, हमने चेक किया। इनफैक्ट 5G प्लस भी शो हो रहा था, 4G कैरियर रेडिएशन का सपोर्ट भी मिल जाता है, इनफैक्ट सेटिंग में VoNR का ऑप्शन भी मिल जाता है, बट जब भी आप कॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 4G पे स्विच हो जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी यहाँ पर डेडिकेटेड है, एंड कॉल रिकॉर्डिंग के लिए गूगल का डिफॉल्ट डायलर मिलता है, तो चुपके से तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जुगाड़ है, आप विजेट में जाके यहाँ पर रिकॉर्डर वाले ऑप्शन को डायरेक्टली स्क्रीन पर ला सकते हैं, एंड जब भी कोई कॉल रिकॉर्डिंग करनी हो इसको दबा के रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो बिना अनाउंसमेंट के बैकग्राउंड में आपकी रिकॉर्डिंग कर देना। और ऐसे ही छोटे मोटे जुगाड़ जानने के लिए आपको नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो, और अगर वीडियो देख ही रहे हो अभी तक तो लाइक भी कर दो और आखिर तक जरूर देखना, और थोड़े बोनस आपको हम टिप्स बता देंगे। अगर बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में, तो यहाँ पर नथिंग OS 2.5 मिल जाता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14, एंड कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट्स प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, एंड नथिंग वाले ने रेगुलर अपडेट्स देने के मामले में यहाँ पर काफ़ी सही है, मतलब जल्दी से जल्दी अपडेट देने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑल दो अभी फ़ोन 3 ही है तो क्यों नहीं देंगे भाई साहब, अपडेट देना ही पड़ेगा। बाकी इसके अलावा आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड का फील टोटली मिल जाएगा, कोई भी ब्लोटवेयर्स नहीं मिलता, कोई भी एड्स नहीं मिलते हैं, तो क्लीन स्टॉक एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली इससे मिलेगा, एंड क्लीन स्टॉक एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ही ऑप्शन मिलता है लेकिन मिलेगा, रैम बूस्टर मिल जाता है 8GB तक, इसके अलावा डुअल एप्स का ऑप्शन है, ऐप लॉक का मिल जाता है, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, इनफैक्ट आइकन पैक में नथिंग के आपको अलग से आइकन्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप वॉलपेपर वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर एक क्रिएट वॉलपेपर AI करके एक ऑप्शन ऐड कर दिया है, तो इसमें वेरियस जॉनरा से आप कोई सा भी सेलेक्ट करके अलग टाइप का वॉलपेपर बना सकते हैं। इसके अलावा कलर पैलेट्स भी मिल जाते हैं अलग अलग, एंड कुछ अलग अलग अतरंगी सतरंगी विजेट्स भी आप इस टाइप से होम स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं। तो लुक वगैरह कस्टमाइजेशन के मामले में मैं बोलूंगा UI काफी अच्छी है, एंड इस UI के टोटली सारे फीचर्स को हमने एक्सप्लेन किया एक वीडियो में, उस वीडियो को आप आई बटन जाके जरूर चेक कीजिए। इसके अलावा नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और ये अच्छी चीज है कि काफी स्मूथ UI है आज के टाइम पे, आप ओपन करते हैं क्लोज करते हैं बहुत ही सीमलेसली सारी चीजें हो जाती है। हाँ, स्टार्टिंग में कैमरा ऐप खोलते टाइम थोड़ा जर्क आ रहा था, लेकिन अपडेट के मामले में ये लोग तेज हैं, तो वहाँ पर अपडेट देके उस चीज़ को भी फिक्स कर दिया। अभी बहुत सारे ऐप्स रेगुलरली मैं यूज़ करता रहता हूँ, ओपन क्लोज भी किया जल्दी जल्दी, लेकिन कोई भी जिटर लैग वगैरह अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। बट एक जगह दिक्कत आती है, वो है परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको MediaTek का Dimensity 7200 Pro प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। जो स्टोरेज है ना, ये और बेटर दे सकते थे, रैम भी बेटर दे सकते थे, क्योंकि इस रेंज में और कॉम्पिटिटर्स जो है ना वो अच्छी स्टोरेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस चीज़ को समझाने के लिए कि कहाँ पर ये चीज़ यूज होती है, हमारे पास लावा ब्लेज कर्व है। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐप्स दोनों में साथ में खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं ब्लेज कर्व पहले खोल दे रहा है ऑलमोस्ट सभी ऐप्स को, तो ये फर्क पड़ता है स्टोरेज से। बाकी इसके अलावा 6.8 लाख के एंटीटू स्कोर्स मिल जाते हैं, बाकी Geekbench स्कोर वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, सब आपके स्क्रीन पे हैं, कोई भी मेजर CPU थ्रॉटलिंग का इशू नहीं है, एंड जितना भी हमने डे टू डे टास्क किया, मल्टी टास्किंग किया, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन बताया, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती, सारी चीज़ें स्मूथली हो जाती है। जो लेटेस्ट अपडेट आया उसके बाद चीज़ें स्मूथ हो गई है। अब अगर बात करें गेमिंग की, तो BGMI में आप स्मूथ एक्सट्रीम तक खेल सकते हैं, मतलब 60fps का सपोर्ट मिल जाएगा, HDR में अल्ट्रा तक खेल सकते हैं 40fps तक। तो पहले बहुत ज़्यादा लैग आ रहा था, 30fps तक ही हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अपडेट के बाद चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं, आपको ऑलमोस्ट 50-60fps के बीच में ऑल द टाइम FPS देखने को मिलेगा। एंड इसके रिगार्डिंग हमने एक डिटेल वीडियो बनाई, उसमें पूरा परफॉर्मेंस टेस्ट करके बताया, आप उस वीडियो को हमारे दूसरे चैनल में आई बटन जाके देखिए, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी कोई इंटरेस्टिंग और भी वीडियो हम उस चैनल में डालते रहते हैं, वो आपसे मिस ना हो। बाकी इसके अलावा जायरोस्कोप वगैरह भी आपको एक्यूरेट मिल जाता है। तो ओवरऑल गेमिंग के लिए मैं बोलूंगा, ये गेमिंग फोन तो है नहीं,
लेकिन अच्छी खासी गेमिंग आपकी करवा लेगा। तो दोस्तों के साथ कैजुअल टाइप की गेमिंग करनी है वो आराम से हो जाएगी इसमें, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप वैसा गेम प्ले डालना चाहते हैं कहीं पे, वैसा करना चाहते हैं, तो ये फ़ोन बिल्कुल ना है उस चीज़ के लिए। उसके लिए आप पोको X6 Pro की तरफ देख सकते हैं, उसकी भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप आई बटन जाके जरूर चेक कीजिए। अब फोन का सॉफ्टवेयर अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छे से ऑप्टिमाइज हो, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा हो जाता है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो हमारे यूसेज में जब हम हैवी यूज़ किया, जिसमें कैमरा भी था, नेटफ्लिक्स भी था, यूट्यूब भी था, बाकी सारी चीज़ें भी थी, तो हमें 7 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिला, और उसमें 90% ऑफ द टाइम हम मोबाइल डेटा पे थे, वाईफाई पे नहीं थे, तो अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम मिला। तो अगर आप नॉर्मल टू मॉडरेट लेवल का यूसेज करते हैं, उसमें 8 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैटरी वाले डिपार्टमेंट में मुझे कोई शिकायत नहीं, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप ये दे रहा है। एंड साथ ही साथ एक चीज़ जो यहाँ पर आप मिस करेंगे, चार्जर कोई नहीं मिलेगा, अलग से लेना पड़ेगा। तो 45 वॉट का चार्जर इसका आता है, उससे अप्रॉक्स यहाँ पर 65-70 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो जाता है, और कोई आइडल ड्रेन का इशू भी नहीं है। हमने 5G ओवरनाइट रखा तो जस्ट 2-3% का ही बैटरी ड्रॉप हुआ। अब आ जाता है इस फोन का मेन पार्ट, जिसने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, भाई साहब कैमरा। देने के लिए इन लोगों ने 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है OIS के साथ, प्लस 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का आपको शूटर मिल जाता है। तो अगर बात करूं फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर इंडोर में फोटोज फिर भी बेटर आती है, लेकिन जैसे ही आप आउटडोर जाते हैं तो यहाँ पर फेस को ये ज्यादा ही वाइट कर देता है और बैकग्राउंड को काफी ज्यादा फेड कर देता है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, बैकग्राउंड में जो पत्ते हैं अलग ही लग रहे हैं। एंड ये एक बार दो बार नहीं, बहुत बार इसने सेम चीज करी। तो जहां पर भी बैकग्राउंड में थोड़ी सी लाइट आ जाएगी ना, ये थोड़ा अजीब ही बिहेव करने लगता है, अलग ही कलर टोन दे देगा बिल्कुल। एंड जब बैकग्राउंड में कोई भी लाइट ना हो, जैसे इस फोटो में नहीं है, तब फोटोज अच्छी आ जाएंगी, डिटेलिंग वगैरह भी आपको तगड़ी मिल जाएगी। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी सेम सिनेरियो थे, वहां पर एक और चीज मैंने देखी, काफी ज्यादा एरिया ये कट कर देता है। ये नॉर्मल फोटो है, ये पोर्ट्रेट मोड फोटो, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्रॉप कर देता है। इसके अलावा एज डिटेक्शन वगैरह प्रॉपरली हो जाता है। और अब अगर बात करें मेन कैमरा से, तो यहाँ पर मेन बातें हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले इंडोर में अलग ही येलो टोन टाइप का देता है, काफी ज्यादा वार्म टोन दे देता है। और जब हम आउटडोर में गए, तो यहाँ पर जैसे ही बैकग्राउंड में लाइट आती है, जैसे हमने फ्रंट कैमरा बताया वैसा ही सेम सिनेरियो हो जाता है। यहाँ पर फोटोज देख के ऐसा लगता नहीं है कि अलग ही कटआउट निकाल के चिपका रखा है, प्लस ऑलमोस्ट सभी सिनेरियो में ओवर शार्पन कर देता है फोटोज, और व्हाइटनेस तो बिल्कुल ऐसे पुट्टी जैसे भर देता है फेस, लगता है सबको ट्वाइलाइट वाला कैरेक्टर बना दूंगा। तो ये फोटोज आप देख सकते हैं जो अच्छी खासी लाइटिंग कंडीशन में ली, स्टिल यहाँ पर काफी ज्यादा इसने खराब काम किया है, और किसी किसी सिनेरियो में एक्सट्रीम ब्लैक भी कर दे रहा था। तो काइंड ऑफ ऐसी इनकंसिस्टेंट फोटो आ रही थी ना, जिन पे आप बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। मतलब इससे काफी बेटर फोटोज हमने Redmi Note 13 Pro में निकाली थी, यहाँ पर फोटोज उस हिसाब से आई नहीं रही है कि 23-24 हज़ार का फोन लग रहा है। ऐसा लग रहा है भाई साहब कोई बजट फोन हमने उठा के उसकी फोटोज क्लिक कर ली। और देने के लिए इन लोगों ने पोर्ट्रेट मोड में 2x पोर्ट्रेट भी दिया है, वहां पर भी सेम सिनेरियो कि थोड़ा हल्का ज्यादा ही व्हाइटिश कर देता है किसी किसी सिनेरियो में, वहां पर भी एज डिटेक्शन प्रॉपरली नहीं होता। और इनके CEO कंपेयर करते हैं इसे आईफोन से सीधे, मतलब छोटी बात भी नहीं, सीधे चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो की बात करें तो बैक से आप 4K 30fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्टेबिलाईजेशन अच्छी खासी मिल जाती है। इनफैक्ट अल्ट्रा वाइड में भी आपको 4K 30fps का सपोर्ट मिलता है, उसमें भी अच्छी स्टेबिलाईजेशन मिल जाती है। फ्रंट में फुल HD 30fps से रिकॉर्ड करते हैं, तो ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी। कितना बैलेंस हो रहा है लाइट आपको आइडिया मिल गया होगा, और क्वालिटी कुछ ऐसी मिल जाएगी। चलते चलते फुल व्लॉगिंग बाजी चल रही है, ऑडियो कैसी मिल रही है इसका भी आपको आइडिया मिल गया होगा। तो वीडियो वाला डिपार्टमेंट मुझे सही लगा, स्टेबलाइजेशन हर चीज़ें वहाँ पर प्रॉपरली है। लेकिन भाई साहब अगर आपको मैं समअप करूँ कैमरा को, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा फोटोज़ वाला डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत अनस्टेबल है इस टाइम पे। तो फोटो के लिए बिल्कुल भी इस फोन के साथ आपको नहीं जाना है। तो अगर आप चाहते हैं किस फोन के साथ हमें इसे कंपेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो नथिंग 2A को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए, तो सिंपल सीधी भाषा में बताता हूं। अगर आपका मेन यूसेज है कैमरा, जिसमें फोटोज बहुत ज़्यादा क्लिक करते हैं, तो मैं बोलूँगा भाई साहब इस फोन से फिलहाल दूर ही रहिए। और थोड़ा सा फंकीनेस आपको पसंद नहीं आती, तो ये बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगने वाला है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर नहीं है इस फोन में। बाकी उसके अलावा आपको ओवरऑल एक बैलेंस्ड फोन चाहिए, जिसमें ठीक ठाक फोटोज आ जाएं, बैटरी बैकअप ठीक ठाक मिल जाए, डिस्प्ले ठीक ठाक मिल जाए, लुक कुछ इस टाइप का मिले, यूनिक मिले, अलग ग्लिफ लाइट वगैरह जल जाए बैक साइड में, तो आप इस फोन के साथ तब जा सकते हैं 22,000 में, तब ये सेंस बनाता है। अदरवाइज मैं बोलूंगा थोड़ा वेट कर सकते हो, तो थोड़े अपडेट्स वगैरह आने के बाद ही अपना डिसीजन बनाना इस फोन को लेने के लिए। बाकी आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है इस फोन के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड हम मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वर्ड वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।